करते हुए बहुजन समाज बामसेफ डीएस4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक भारत के अंदर दोबारा परम पूज्य बाबा साहब को परिचित करने वाले साहब काशीराम जी के चरणों में अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आयरन लेडी इंटरनेशनल फेम की नेता बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से दिल्ली के उस कर्म भूमि पे साहब की कर्म भूमि के ऊपर हम उस महान नेता बहन कुमारी मायावती जी के जन्म 63वां जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि आदर और सम्मान के योग्य हमारे माननीय महेश आर्य जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के सारे राज्यों के अंदर बहुजन समाज पार्टी के काम को बढ़ाने में अपना जीवन लगा दिया। हमारे दूसरे प्रभारी आदर और सम्मान के योग्य ड्यूरिंग सर्विस टाइम आफ्टर सर्विस टाइम नौजवानों के दिलों की धड़कन और बुजुर्गों के दिल के प्यारे भाई प्रदेश प्रभारी भाई सीपी सिंह जी, और हमारे तीसरे प्रभारी माने वीर सिंह जी, उनका भी यही रिकॉर्ड रहा है ड्यूरिंग सर्विस टाइम आफ्टर सर्विस टाइम, और उन्होंने छोटे से कार्यकर्ता से भरकर आज प्रदेश के अंदर वो प्रभारी हुए हैं। और इसी के साथ अब मैं दिल्ली प्रदेश के उस अध्यक्ष के लिए आपको बताऊंगा कि माननीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 5 साल तक दिल्ली की विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का परचम फहराया और उनको स्पेशल अवार्ड भी मिला, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा फखर का बात है। मंच पर बैठे सभी हमारे दिल्ली की 7 लोकसभा के मुख्य इंचार्ज, जोनल इंचार्ज, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और मात शक्ति, तो सभी सम्मान्य साथियों, आज हम लोग बड़ी खुशी के साथ उस नेता का जन्मदिन मना रहे हैं कि आज हमारी नेता का, जो हमारी नेता ना राज्यसभा की एमपी है ना लोकसभा की एमपी है, लेकिन पूरे देश के अंदर इस राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टी है, इस देश के ठेकेदारों के बीच के अंदर ऐसा हलचल पैदा कर दिया कि सबका सब उनसे डर रहा है, आपके सामने है। और अभी आपके सामने सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, लेकिन उस गठबंधन को हमको सफल बनाने के लिए मैं दिल्ली की जनता से, दिल्ली के छोटे भाई सभी पदाधिकारियों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, इस देश की बागडोर को उनके हाथ में देना चाहते हैं, तो हम सभी का जिम्मेवारी बनता है। और वो जिम्मेवारी ये है कि परम पूज्य बाबा साहब का दिया हुआ हथियार और दिल्ली के अंदर जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी राजधानी, सबसे बड़ी स्टेट लखनऊ उत्तर प्रदेश, अगर आप चाहते हैं तो मेरा दिल्ली के अंदर जो भी साथी उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है, उनका नाते रिश्तेदार रहता है, उनका बिरादरी का लोग रहता है, उनके दोस्त रहते हैं, तो उनका ये मॉरल ड्यूटी बनता है कि वो सब अपना उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर सब अपना अपना ड्यूटी निभाए और एक ही बात कहें कि इस बार कोई नहीं, सिर्फ हाथी हाथी और हाथी के निशान पे बटन दबा के इस देश का 15वां प्रधानमंत्री, जो कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले पे अगर कोई झंडा फहराएगा तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी फहराएंगे। बस एक बात कहना,
एक बात क्या कर मैं आपसे अपना बात खत्म करने जा रहा हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी रहते हैं, आप सब लोग अपने अपने राज्यों के अंदर अपने लोगों के अंदर एक ही बात का है, इस बार कोई नहीं, सिर्फ हाथी के निशान पे बटन दबाना और बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय और खुदा हाफिज। और इसी के साथ मैं अपनी नेता का 63 के दिन पर महामानव भगवान बुद्ध से ये प्रेयर करूंगा कि हमारी नेता का इतना उम्र हो जितना आसमान में तारे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, खुशा हाफिज।